Zombie apocalypse. तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पेका और बॉलर्स के यूज से हम 3 स्टार कैसे लाएंगे TH12 के बेस पे। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं आर्मी कंपोजिशन क्या क्या रहेगा। ट्रूप्स में हमने लिया है 1 आर्चर्स, 2 वॉल ब्रेकर, 4 हीलर, 3 पेका, 2 इलेक्ट्रिक ड्रैगन और 14 बॉलर्स। हमने तीनों हीरोज को लिया है, किंग, क्वीन और ग्रैंड वार्डन। स्पेल्स में हमने लिए है 2 रेस्पेल, 1 फ्रीज स्पेल, 1 पॉइजन स्पेल और 5 बैट स्पेल। सीसी में हमने लिया है लॉग लॉन्चर और उसके अंदर हमने ट्रूप्स लिए है 1 विजर्ड और 6 बॉलर और स्पेल है 2 फ्रीज स्पेल। तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं अटैक की तरफ। फ्रेंड्स अभी हम सर्च कर लेते हैं TH12 का एक बेस जिस पे हम अटैक कर सकते हैं। तो अब हमें मिल गया है एक अच्छा सा बेस। तो हम सबसे पहले डालेंगे एक साइड से कॉर्नर से इलेक्ट्रिक ड्रैगन राइट साइड में और दूसरे साइड में एक कॉर्नर में और एक इलेक्ट्रिक ड्रैगन को डालेंगे। अभी ये जो इलेक्ट्रिक ड्रैगन है हमारे लिए बनाएंगे फनल जिसके कारण हमारे सारे के सारे ट्रूप्स अंदर जा सकते हैं। उसके बाद हम तीनों पेकास को बीच में डाल देंगे, उसके पीछे लॉग लॉन्चर और किंग, क्वीन और ग्रैंड वार्डन को एक साथ लॉग लॉन्चर के साथ हम भेजेंगे। उसके बाद हम सारे के सारे ट्रूप मतलब हीलर्स और वॉल ब्रेकर भी डाल देंगे बाकी वॉल को तोड़ने के लिए। और यहाँ पे हम वार्डन की एबिलिटी भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम आगे यूज करेंगे। और ये यहाँ पे डाल दिया हमने रेस्पेल की वजह से हमारे बॉलर्स ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसेस को डैमेज दे सकते हैं। और भी हमने ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी दे दी। और उसके बाद हम अब एक कॉर्नर में डालेंगे सभी के सभी बैट स्पेल। यहाँ पे हमने इन पर्णों पे डाल दिए सब बैट स्पेल और उसको फ्रीज भी कर दिया है। अभी हमें किंग की एबिलिटी देनी होगी। थोड़े बहुत डिफेंसेस अभी बाकी है। तो हमारा ये 3 स्टार हो गया है बेस।
चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।